हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोनिका। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ किचन में। आज है 29 जुलाई और मंडे है, तो सुबह के बज रहे हैं 7:45। तो ये जो मेरा किचन है ये आपको तहस नहस दिख रहा है, क्योंकि इसमें मैंने रात को की थी सफाई। तो रात को जो है पानी आया था, 7:30 बजे के करीब पानी आया था। तो क्योंकि यहाँ कुछ दिनों से पानी नहीं आ रहा था, तो उस वजह से मैंने पानी का मौका देखा कि आ रहा है और मैंने किचन जो है साफ़ कर लिया। काफ़ी देर तक रात को मैं किचन की सफाई कर रही थी। टाइल्स वगैरह, काउंटर टॉप वगैरह मैंने सब साफ़ किया है, राशन बॉक्स वगैरह, और ये जो बॉक्स हैं, जो ये बास्केट्स है जिसमें मैं स्पाइसेस बॉक्स अपने रखती हूँ, ये भी मैंने रात को वॉश कर दिए थे। तो अभी मैं इन्हें अरेंज कर रही हूँ। तो ये जो स्पाइस बॉक्स है, जो मसालों के डब्बे हैं छोटे छोटे से, ये मैं ऐसे बॉक्स में रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये ज़्यादा गंदे भी नहीं होते और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और टाइम टू टाइम हमें मिल जाते हैं। नहीं तो अगर हम इन्हें खुले रखते हैं तो फिर कहीं से निकालते हैं और कहीं रख देते हैं, फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने ये जो बॉक्स है ये मेगा मार्ट से ही मैं लाई थी, पिछले साल में इन्हें लाई थी जुलाई की छुट्टियों में। तो फिर मैंने ये बहुत अच्छे से यूज़ कर रखे हैं। 2-3 पीस का ये सेट था। तो एक जो बड़ा बॉक्स है उसमें मैं वो स्पाइसेस रखती हूँ, जैसे हल्दी, जीरा वगैरह, जो बड़ा बड़ा रहता है, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में मैं लाती हूँ वो उसमें रख देती हूँ। बाकी तो जो हमारा मसालदानी जो है, जो हमारा स्पाइस बॉक्स है, उसमें रख देती हूँ। तो बस ये वाले जो कंटेनर है छोटे से, ये भी मैं मेगामार्ट से लाई थी। 4 पीस का ये सेट है, तो ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्पेशियस है। आप एक के ऊपर एक रख दो, लॉक हो जाते हैं और गिरते भी नहीं, एयर टाइट है। तो बस इसमें मैं रख देती हूँ जो मुझे डेली या दूसरे तीसरे दिन यूज़ हो जाता है, इसमें मैं वो सामान रखती हूँ, इस पर ढक्कन नहीं लगाती हूँ। तो जो मुझे कभी कभी लगता है वो वाला मैं बड़े बॉक्स में रख देती हूँ, और जो डेली यूज़ का है या दूसरे तीसरे दिन यूज़ होता है वो मैं इस बॉक्स में रख देती हूँ। इस तरह से हमें चीज़ें मिल भी जाती है और देखने में भी सुंदर लगती है। तो ये छोटे छोटे से सैशे हैं, तो इन्हें भी मैं बंद करके इसी में रख देती हूँ, क्योंकि ये यूज़ होते रहते हैं। तो चलिए, ये हमारा हो चुका है और सफाई भी मेरी जो किचन की है हो चुकी है। तो इसे रख देते हैं इसकी जगह पर। तो इसके नीचे मैंने ये छोटा सा मैट रखा है, क्योंकि कई बार हो जाता है किचन में जैसे पानी गिर जाए तो ये सोख लेता है, वैसे गिरता तो नहीं है। तो लीजिए, जो मेरे बॉक्स हैं वो हो चुके हैं रेडी। तो अब लगा देते हैं ये हुक को, जो हम कल लेकर आए थे। तो मुझे इसमें थोड़ा डाउट ही लग रहा है, पता नहीं ये जो है वेट उठा पाएंगे कि नहीं। वैसे इस पे लिखा है, मेंशन किया है कि 3.5 किलो तक का ये वेट उठा लेंगे। तो चलिए इसे लगा देते हैं। तो टाइल्स जो है मैंने रात में ही साफ़ कर दी थी, सिंक वगैरह, काउंटर टॉप, टाइल्स सारी मैंने साफ़ कर दी थी। तो इस पे लिखा है कि इसको लगाने से पहले जो एरिया है उसे साफ़ कर दें अच्छे से। तो रात में ही मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी, तो अभी तक तो सूख चुकी हैं और ये लग चुका है। तो चलिए इसमें कुछ लटका कर देखते हैं। तो अभी तो टिक रहा है, चलिए बाद में इसमें लगाएंगे। तो ये राशन बॉक्स वगैरह है, ये भी मैंने रात को धो दिए थे। ये आटे का जो है मेरा कंटेनर है, बहुत बड़ा है, इसमें एक बड़ा जो कट्टा है आटे का 35 kg तक आ जाता है, और ये छोटा वाला चावल का था। तो ये भी मैंने धो लिए, ये सूखे नहीं है, तो इन्हें मैं उल्टा ही रहने दूँगी। तो ये है सब्जी जो आज बनेगी, हस्बैंड रात में लेकर आए थे, तो ये भी मैंने रात को धोकर रख दी थी। तो चलिए, जितनी देर ये कंटेनर सूखते हैं उतनी देर हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और काउंटर टॉप को मैं फिर से एक बार कर देती हूँ साफ़, क्योंकि सामान लगाते लगाते थोड़ी बहुत धूल आ ही जाती है, थोड़ा बहुत जो कचरा है पड़ जाता है। तो चलिए पहले काट लेते हैं सब्जी को। तो सब्जी जो आज है मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी। एक मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिना टमाटर वाली कुरकुरी भिंडी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, शेयर तो नहीं की थी, मतलब मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरीके से दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ। तो जो ये टमाटर वाली भिंडी है, नॉर्मल जो टमाटर प्याज का तड़का लगता है, ऐसी भिंडी हमारे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बिना टमाटर वाली भिंडी है जो ज़्यादा नहीं पसंद करते, तो हस्बैंड को इसी तरीके से पसंद है। तो मैं तो दोनों तरीक़ों से खा लेती हूँ। तो चलिए, सब्जी हो गई है सारी कट, प्याज को कट कर लेते हैं। तो एक प्याज मैंने बड़ा लिया है और उसे मैं अच्छे से छील लूँगी। तो सबसे पहले धो लें, क्योंकि आजकल पता नहीं प्याज में क्या ब्लैक सा लगा रहता है, तो उसे धो लेना चाहिए। तो अब मैं निकाल दूँगी मलाई, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उठ चुके हैं और उनको दूध देना है। तो सरसों के तेल में है जो मैं इसका तड़का लगा रही हूँ, सरसों का तेल मैंने लिया है। तो पहले मैं इसे अच्छे से गर्म होने दूँगी, उसके बाद डाल दूँगी जीरा और लाल मिर्च, 2 लाल मिर्च मैंने ली है, और उसके बाद डाल देंगे प्याज, इसे मैंने रफली चॉप किया हुआ
हुआ है, क्योंकि भिंडी की सब्जी में जो है प्याज थोड़ी मोटी मोटी सी अच्छी लगती है, हमें अच्छी लगती है प्याज टमाटर, तो ये ज़्यादा भी इसे नहीं पकाना है क्योंकि भिंडी के साथ ये पक जाएगी। और तो चलिए हो चुकी है, अब इसमें डाल देते हैं हम टमाटर। तो एक ही मैंने टमाटर लिया है, तो अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद डाल देंगे वही अपने रेगुलर मसाले। तो सबसे पहले डालूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद डाल देंगे हल्दी और लाल मिर्च कलर वाली, अगर आप तीखा खाते हो तो आप जो लगने वाली मिर्च है वो डाल सकते हैं। तो मैं तो सूखी मिर्चें पहले डाल देती हूँ, खड़ी लाल मिर्च डाल देती हूँ, तो थोड़ी सी कलर वाली मैंने डाल दी है। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी आमचूर पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है, इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है भिंडी में। तो चलिए सबको अच्छे से मिला लेते हैं और एक डेढ़ मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो तेल जब हमारा मसाला थोड़ा अलग कर दे, उसके बाद डाल देंगे हम भिंडी जो हमने कट करके रखी है। तो भिंडी को अच्छे से मिला लेंगे मसाले के साथ, जब सारे स्पाइस इसमें मिल जाए, भिंडी और मसाले जो आपस में अच्छे से मिल जाए, तो उसके बाद हम इसे ढक कर पकाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी, लो फ्लेम पे मैं इसे नहीं पकाती हूँ, तो ये अच्छी भी बनती है और जल्दी बन जाती है। तो चलिए जितनी देर हमारी सब्जी होगी, साथ ही साथ हम लगा लेते हैं आटा। तो आटा मैं गूंद के रख लूँगी। तो आटा गूंदने के बाद जो किचन भी है मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा रह गया है। तो झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर लिया था, झाड़ू पोछा तो मैंने कल लगा दिया था, तो झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, सब सोए हुए थे तो ईजी हो गया मुझे लगाने के लिए। तो आटा भी जो मेरा है वो हो गया है तैयार। तो चलिए आटे को रख देते हैं बॉक्स में, उसके बाद सब्जी को चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आप 5 मिनट बाद जो सब्जी है काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो ज़्यादा सब्जी को जो है हिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो उसका टेस्ट भी नहीं रहता उसमें। मैं सब्जी को है जो ज़्यादा नहीं हिलाती हूँ, बस एक दो बार मैं उसे उलट पलट कर देती हूँ और उसके बाद उस ऐसे ही पकने देती हूँ। तो ये मैं दूसरी बार चेक कर रही हूँ। तो तोड़ के हम अभी भिंडी को देखेंगे, तो थोड़ा सा इसमें अभी टाइम है, तो चलिए इसे पकने देते हैं और साथ में लगा देती हूँ चपातियाँ। तो बच्चे जो हैं वो भी अब खाना मांग रहे हैं, तो 9:30 का टाइम हो रहा है शायद। तो अब जो है चपातियाँ लगाने के बाद हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट। और हस्बैंड जो है शॉप जा चुके हैं, तो वो शॉप में झाड़ू पोछा करने के बाद, धूप बत्ती करने के बाद फिर घर ही आ जाते हैं, यहीं पास में शॉप है, तो फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा जो है अब हो चुका है, तो टाइम हो रहे हैं 12:30। तो आप मेरा किचन देख सकते हैं, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज हो गया है। तो ट्राईपॉट यहीं पड़ा है, तो वैसे इसकी जगह यहाँ नहीं है। तो ये देखिए बास्केट, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से ऑर्गेनाइज जो होता है, तो जिसे मतलब किसी को भी इजीली सामान मिल जाता है, बच्चों को भी बोलने के लिए आसान हो जाता है उस बॉक्स में है। तो राशन बॉक्स भी मैंने लगा लिए हैं अच्छे से, तो अब ये खाली है, तो अब मैं इसमें राशन डालूंगी कल या परसों। तो ये हैंगर भी लग चुका है, तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, काफ़ी अच्छे से इसमें जो इधर उधर सामान पड़ा रहता लटक जाता है। तो ये है वो सोफ़ा कवर जो मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको बिछा के दिखाऊंगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे लग रहे थे, क्योंकि इस बार की शॉपिंग में जो मैं अकेली ही थी, मेरे साथ कोई नहीं था। तो हर बार मम्मी या मेरी सिस्टर होती है, तो सिस्टर भी नहीं थी, मैंने अकेले ही शॉपिंग की है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी ये बेडशीट, वैसे सुंदर लग रही है सोफ़ा कवर और मैच हो गया है कर्टन के साथ, जो थीम है मेहरून कलर की सारी आ गई है। हेलो एवरीवन, तो किचन से जो है मैं हो चुकी हूँ फ्री। कल जो मैंने है तीनों रूम साफ़ कर लिए थे और आज मेरा किचन है जो वो बिल्कुल साफ़ हो गया है, मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं था, पर धूल इतनी ज़्यादा, जब हम कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं ना, तो धूल इसमें इतनी ज़्यादा आ जाती है। तो बस हस्बैंड का भी ज़्यादा कुछ था नहीं, खाना बनाया अपने और हो गया। तो ज़्यादा मैंने कहा था पहले भी, वो श्रद्धा से काम नहीं करते हैं, तो झाड़ू वगैरह कर लेते थे। और कपड़ों का उन्होंने इतना ढेर मेरे लिए लगाया ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो इधर क्या प्रॉब्लम हुई है, जब से हम गए हैं 10 दिनों से यहाँ पर पानी नहीं आया है, तो जो पानी स्टोर किया था उसी को ये यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हें तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ना इन्होंने कपड़े धोए, बस नहाने को और वॉशरूम वगैरह को जो इनको लगता था वही लगता था। तो बर्तन भी कितने होते हैं, एक इंसान के कितने बर्तन होंगे। तो फिर उसके बाद कपड़ों का इतना ढेर लगा है, तो जो कल है, फिर पिछले रात को कल पानी आया, 10 दिन के बाद यहाँ पर कल पानी आया, तो मैंने फिर वो मौका छोड़ा नहीं।
तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो, ये थोड़ा ही आए बाद में ना आए, तो मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा पहले मैंने सारा जो बर्तन वगैरह भर ली, टैंकी एक बाहर रखी है वो भी भर ली, क्योंकि ऊपर 5वीं मंजिल तक ये चढ़ता नहीं है, तो इसे मशीन से लिफ्ट करवाना पड़ता है। तो इतना था नहीं कि ऊपर चढ़ा सके, तो मैंने कहा पहले अंदर जो बाल्टियाँ वगैरह है सारी भर के रख दी किचन वगैरह मैंने। फिर रात में 12:15 बजे मैं सोई हूँ, सोई क्या मतलब 12:15 बजे मैं फ्री हुई हूँ रात को। बच्चे वगैरह सो गए थे, हस्बैंड भी सो गए थे, तो मैं पानी के चक्कर में लगी रही रात को। जो राशन बॉक्स वगैरह थे वो सारे खाली थे, क्योंकि जब हम जा रहे थे तो राशन थोड़ी थोड़ी ही रह गई थी। तो मैंने सोचा ही था कि मैं आके इनको धोऊंगी। तो फिर कल मुझे अच्छा मौका मिल गया और पानी भी आ रहा था, तो खुले पानी में मैंने राशन बॉक्स वगैरह और जो बास्केट वगैरह है वो सारी धो के रख दी। जो भी धोने वाला था मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, तो वो मैंने सब कुछ रात में ही धो के रख लिया। 12:15 बजे मैं फ्री हुई, और उसके बाद एक वीडियो थी उसके अपलोडिंग के चक्कर में 1:30 बजे मैं रात को सोई हूँ। तो आज सुबह फिर अभी आ रहा था थोड़ा थोड़ा पानी, तो मैंने सोचा चलिए कपड़े भी धो देती हूँ, तो घर की सफाई भी हो गई है, किचन से भी फ्री हो गई हूँ, तो बस अब रह गया है मेरा कपड़ों का। तो पानी अब पता नहीं आए ना आए, चलिए जो स्टोर करके रखा है उससे धोना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलिए थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ, सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, मैं आपसे बात नहीं कर पाई। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड, मैं धो लेती हूँ अब कपड़े। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँगी कि कितना ढेर मेरे लिए जो गिफ्ट है हस्बैंड ने रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।